नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगिंदर, वेलकम टू ऑल इन वन हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग की गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 की। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने सैमसंग का गैलेक्सी S21 अल्ट्रा परचेज किया था, जिसके साथ मुझे 990 रुपये में ये गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 मिली है। तो आज इस वीडियो में हम इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए इस गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पास बॉक्स सैमसंग गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 का। दोस्तों, बॉक्स के ऊपर इसकी कुछ डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव 2, और इस साइड में लिखा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2। बॉक्स के अगर पीछे की बात करें तो यहाँ पे हमें इस वॉच की कुछ हाइलाइट्स दिखाई देती हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है लाइट वेट डिज़ाइन, एडवांस्ड ऑटो फिटनेस ट्रैकर एंड रन कोचिंग। इसी के साइड में लिखा हुआ है हार्ट एंड हेल्थ मॉनिटरिंग। दोस्तों, ये वॉच हमारे पास ब्लूटूथ वर्जन वाली है, और वाईफाई का सपोर्ट भी आपको इसके अंदर मिलता है, और साथ ही साथ आपको इसके अंदर GPS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, बॉक्स के ऊपर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 25,990 रुपये, लेकिन ये मैंने 990 रुपये की परचेज की है, जो कि मेरे सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के साथ ऑफर में मुझे मिली है। दोस्तों, इस वॉच के कलर की बात करें तो यहाँ पे इसका जो कलर हमें मिलता है वो है एक्वा ब्लैक, और दोस्तों सामने की तरफ नीचे यहाँ लिखा हुआ है 4.4 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारे पास 44mm की वॉच है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करने के लिए यहाँ पे हमें दो सील मिलती हैं, चलिए इनको जल्दी से ब्रेक कर लेते हैं। सील को ब्रेक करने के बाद चलिए इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें ये एक सेक्शन मिलता है। इस सेक्शन में हमें ये क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड वगैरह मिलते हैं, जिसको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद बॉक्स में हमें ये एक सेक्शन मिलता है, जिसके अंदर हमें ये एक चार्जिंग डॉक मिलता है, जिसके जरिए हम अपनी वॉच को चार्ज करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें ये वॉच मिलती है। दोस्तों, वॉच की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही सॉलिड फील हो रही है हाथ में, और इसके जो ये रबराइज स्ट्रैप है ये भी बहुत ही अच्छे और प्रीमियम क्वालिटी के फील हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वॉच को ऑन करते हुए इसके फिजिकल ओवरव्यू पे नज़र डाल लेते हैं। जैसे ही ऑन करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है सैमसंग गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2। दोस्तों, हमें इस वॉच के राइट साइड में ये दो बटन मिलते हैं, और इन्हीं के बीच में ये माइक दिया हुआ है। पीछे की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी वॉच की ब्रांडिंग है, और बीच में हमें यहाँ पे ये एक हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है, और इस वॉच के लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे स्पीकर मिलता है। और पीछे की तरफ अगर दोस्तों स्ट्रैप्स की बात करें तो यहाँ पे ये एक बटन दिया हुआ है, जिसकी मदद से हम स्ट्रैप्स को आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसका जो बूट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे लेट्स गो आया लिखा हुआ, और हमारे फ़ोन ने भी इसको डिटेक्ट कर लिया है। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं मोबाइल के साथ। तो जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, हमें इस वॉच के राइट साइड में यहाँ पे दो बटन मिलते हैं। जो ऊपर वाला बटन है वो बैक के लिए काम में आता है, और जो नीचे वाला बटन है उससे ऐप ओपन होती हैं। दोस्तों, आपको इस वॉच में स्टेनलेस स्टील डिजाइन मिलता है, जो कि इस रबराइज स्ट्रैप के साथ में आता है। दोस्तों, ये वॉच वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। दोस्तों, इस वॉच की बैटरी की बात करें तो आपको इसके अंदर 340 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 3 से 4 दिन तक आराम से चल जाती है। दोस्तों, अगर इस वॉच के प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसके अंदर एक्सिनोस का 9110 ड्यूअल कोर प्रोसेसर मिलता है, जो कि 1.15 GHz के ऊपर क्लॉक्ड है,
और अगर इसके OS की बात करें तो आपको इसके अंदर Tizen OS मिलता है। और दोस्तों अगर इसकी मेमोरी की बात करें तो आपको इसके अंदर 4GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है और 768MB की रैम आपको इसके अंदर मिलती है। सेंसर्स की बात करें तो आपको इसके अंदर एक्सेलेरोमीटर सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर, बैरोमीटर, हार्ट रेट मॉनिटर सेंसर, एम्बियंट लाइट सेंसर जैसे बहुत सारे सेंसर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। दोस्तों अगर इस वॉच की डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। और दोस्तों अगर इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है वो डिजिटल टच बेजल के साथ में आती है, जिसकी मदद से आप ऐसे रोटेट करके इसके फंक्शंस को यूज कर सकते हो। दोस्तों इस वॉच की एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं, जैसे कि रिसेंट ऐप, सेटिंग, मैसेजेस, फोन। दोस्तों आप इसकी मदद से अपने वॉच से ही किसी को भी कॉल कर सकते हो। सैमसंग हेल्थ, आपको इसके अंदर सैमसंग हेल्थ का भी ऑप्शन मिलता है। गैलेक्सी स्टोर आपको इसके अंदर मिलता है। बिग्सबी का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलता है। वेदर आपको इसके अंदर मिलता है। कॉन्टैक्ट्स और अलार्म का भी फंक्शन आपको इसके अंदर मिलता है। और साथ ही आपको इसके अंदर कैलेंडर, रिमाइंडर, ईमेल, म्यूजिक, गैलरी, फाइंड माय फोन, वर्ल्ड क्लॉक, टाइमर, टॉप वॉच जैसे बहुत सारे फीचर आपको इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। दोस्तों ये वॉच देखने में बहुत ही प्रीमियम फील होती है। तो चलिए दोस्तों अब इस वॉच की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने ये सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा परचेज किया था, जिसके साथ ऑफर में मुझे ये वॉच 990 रुपये में मिली है। दोस्तों ये इसका बिल है जहाँ पे लिखा हुआ है 990 रुपये। तो दोस्तों ये वॉच मैंने 990 रुपये में परचेज की है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूं। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।